कैसे मुमकिन है कि कुरान में आया है कि हजरत सलमान ने कहा कि तख्ते बिल्किस कितनी देर में कोई ला सकता। एक ने कहा कि इतने टाइम में, एक ने कहा कि उनकी यहां पहुंचने से पहले, वो 500 किलोमीटर दूर थे अभी। एक ने कहा कि नहीं मैं अभी ला सकता हूँ, तो फिर जनाब सलमान अलैहि सलाम ने कहा कि ठीक है, उन्होंने ऐसे किया तो तख्त सामने आ। तो अगर हजरत सलमान पैगंबर का उम्मती ये सिफत रखता है तो मोहम्मद के भाई का कोई ताकत नहीं। वो कुरान करीम बस वो उनके लिए ऐसा ही था कि वो एक नजर में उससे निकल गया, यानी कि रूह कुरान को उन्होंने पढ़ लिया तो कुरान पढ़ लिया। ये इसी तरह ही होता है, लफ्ज ब लफ्ज, हरफ ब हरफ। वजह यह है कि सारा का सारा कुरान अल्हम्द बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह बे में और बे के नुक्ता, वो जो नाम अली ने फरमाया मैं, तो नुक्ता ही खुद थे, तो जब वो मेरे ख्याल में खुद पे ध्यान करते थे तो समझे पूरा कुरान अंदर। तो दूसरा इसका जवाब ये भी है, लेकिन पहला भी देख लें और दूसरा भी देख लें, और अगर कोई न माने तो फिर भी उसकी अपनी मर्जी है। मैं कहता हूँ वो अल्लाह का जिक्र करे और नबी पाक पे दुरूद भेजे, खुद ब खुद वो फिर समझा देंगे। बाकी ये वसीले का आप कह रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम वसीला बने अल्लाह के लिए, अल्लाह से लेने का वसीला नबी पाक बने, हमारे लेने का वसीला फिर नबी पाक बने, यानी उधर से उन्होंने लिया और हम तक पहुंचाया। हमने जो कोई लेना है दरमियान वाले वसीले से लेके, उधर से आया वहां, वहां से आया हम तक, हमने अब जो लेना है पहले वहां, वहां से फिर। तो दरमियान से नबी को हटा दो सारा काम ही खराब हो जाएगा।